अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तमाम मेंबर आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। दोस्तों, हमने डायमंड नौशादर तैयार किया था, तो मैंने कहा था ये जाज़्बे सिमाब पारा पीने वाली नौशादर है, और यही नहीं कि जो भी आपका गंधक है, मैंसल है, वर्किया है, शेंगरफ है, रस कपूर है, दरचकना, समलफार, जो कुछ भी है, हर चीज़ को भूखा करने वाली। तो आपको भूखा करने के लिए कई तरद करने पड़ते हैं, मुश्किल काम करने पड़ते हैं, वो नहीं होते जी। जब तक चीज़ पारे को पकड़ेगी नहीं, वो काबू कैसे आएगा? तो मैंने इस नुस्खे में ये बताया था आप लोगों को कि ये 6 मिनट में 6 तोले 12 पी जाती है। तो सिर्फ इसका ये मकसद नहीं है कि ये पी जाती है, फिर छोड़ते भी नहीं है और बड़ी ज़बरदस्त इसकी गिरफ्त है। तो मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। सिमुलफार है जी, तकरीबन 10-11 ग्राम, और नौशादर लेते हैं 5 ग्राम। तीन ग्राम है क्योंकि वजन नहीं होता इसका, 1 ग्राम और डाल देते हैं। देखिए इसका नौशादर को अगर आप गौर से देखें ना, जब हम कैम करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे रस कपूर है या कोई सफ़ेद शेंगरफ है, इसकी तुरियां से बन जाती हैं जब ये कैम होती है। तो चलें इनकी कजली करते हैं। नौशादर 1 ग्राम कम है हमारी, इसका वजन नहीं होता। एक ग्राम और डाल देते हैं ऐसे अंदाजे से, इसकी करते हैं पहले कजली। ठीक पारा हम ले लेते हैं, पारा ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 6 तोले से कुछ थोड़ा सा ऊपर ही होगा, अभी का वजन बहुत कम है। ठीक है, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले इन दोनों की करते हैं कजली, इस चीज़ की, सिमलफार और डायमंड नौशादर की। जी दोस्तों, ये खरल हो चुका है, आपने खरल छोटा लेना है क्योंकि चीज़ ही थोड़ी है, सुलफार भी थोड़ा है, चादर भी कम है। ये हम तकरीबन 6 से करके डालते हैं इस पारे को। ठीक है, अंदाजे से 1 तोला मैंने डाला है। तो तमाशा देखिए,
तकरीबन 1 ग्राम बचा होगा जी। पी लिया जी, बड़ा मजेदार है। थोड़ा और डालते हैं जी। आपने वजन करना है हर चीज का, मेरे तरीके से नहीं करना जी, ठीक है? मैं तो ज्यादा डाल रहा हूँ तो मुश्किल हो रही है। आपने 10-10 ग्राम ही डालना है, वरना टेंशन होगी। दूसरा ये है कि मेरे हो गए 1 हफ्ता हो गया इस नुशादर का। नुशादर आपने उसी दिन इस्तेमाल करना है जी, बाद में नहीं करना। बाद में इसका जो करंट है वो कम हो जाता है, तो ये इसलिए थोड़ी मुझे मुश्किल भी पेश आ रही है, लेकिन दोबारा बनाना मुश्किल है। ये भी हो जाएगा, थोड़ी मेहनत है। यानी कि खरलाई 1 मिनट की थी, अब 2-3 मिनट की हो रही है। मैं क्लिप काट काट के कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसने यहीं पे अब गारा होना भी शुरू हो गया है, इसी वजह से कि टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया है। इतना टाइम लगता नहीं है, टाइम इसका लगना चाहिए जी टोटल 6 मिनट, हमारा टाइम ज़्यादा लगा है। मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बीच में काट रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वरना ये 6 मिनट टोटल वीडियो होती है। मैंने ये बताया था कि इसका करंट होता है, पहले दिन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बना के एक और काम था वो शुरू कर दिया, तो टाइम ही नहीं मिला। और पारा भी मैं 1.5-2 तोले डाल रहा हूँ, ये भी गलत तरीका है, इससे भी टाइम लगता है। लेकिन जल्दी में हूँ, चलो मेरा तो हाथ बैठा हुआ है, लेकिन आप बड़ा तंग हो गए, आपसे नहीं होगा। बाकी भी डाल देते हैं सारा। वैसे 1 तोला सिमलफार जो है ना, 1 महीना भी लगे रहे तो पारा 1 तोला नहीं पीता। जब तक सिमलफार की गिरफ्त नहीं होगी, पारे को क्या पकड़ेगा। ये देखिए, ये देर लगने की वजह से इसने जो रही इसको गारा कर दिया है। मेरा हाल है कुछ 8-10 मिनट ही लगे हैं, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं क्लिप काट काट के लगा रहा हूँ।
एक एक सेकंड में बस ये पानी होता जाएगा, लेकिन आपने जल्दी करनी है, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना, वरना ये अगर मैं 5-10 मिनट और लगा दूँ तो इधर ये फार को फूल कर देगा। ये ऐसा करंट वाला नुशादर है, इसने मुझे भी मौका नहीं दिया है, मेरा हाथ बैठा हुआ है इसमें, इसे सिर्फ पाउडर होना चाहिए था, लेकिन इसने पारे को भी मोमिया कर दिया, इसे हार को भी मोमिया कर दिया। हरा सारा ये पी गया है, देख सकते हैं आप। पारे को कुछ पता ही नहीं गया कि इतनी देर में बस आपका ये नुशादोर वर्किया सेंखिया समुलफार रस कपूर दरचकना गंधक जो चीज़ भी आप इसके साथ सकेंगे। गंधक भूखी करनी है तो गंधक साथ लगानी पड़ेगी एक तोला, सेंखिया भूखा करना है तो सेंखिया एक तोला लगा दें। देखिए आपके सामने मजीद मोमिया हो रहा है, और इसी तरह अगर आपने मेंसल भूखी करनी है तो मेंसल भूखी कर लें, ठीक है। लोग चांदी भूखी करने के पीछे पता नहीं टेंकू बनाते हैं, काम देन वगैरह टेस्ट ट्यूबें वगैरह बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भूखा करने के बजाय आप इन चीज़ों को भूखा करें, और ये कोई आम चीज़ नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। ऐसे पी जाते हैं, ऐसे मैं तकरीबन 5-10 मिनट बाद दोबारा इसका क्लिप बनाऊंगा, देखना ये पानी होना शुरू हो जाएगा। जी ये भी पी लिया जी, इसे और डालते हैं जी, ये भी है 5-6 तोले है। ये 10-12 तोले तक पी गया है आपके सामने है जी सारा कुछ। इसलिए इसका नाम डायमंड नुशादर रखा गया है जी। मुझे तो सालों लगे हैं इसे समझने में, इसे बनाने में और दिखाने में, मेरे कोई 1 घंटा नहीं लगा होगा 4-5 वीडियो में, और ये बना बना के दिखाना पड़ता है जी, उस पर भी बड़ा वक्त लगता है। तो इस पर डिबेट करेंगे कि ये चीज़ क्या है, आपने देख तो लिया है कि ये क्या क्या करेगा। ऐसे ही संड शायद वो अपना वर्क किया वो संड, और उसका मेटल वो नहीं निकल रहा, या ऐसी शंग्रफ संड है जो भट्टी में भी चक्कर नहीं खाती, तो उसी तरह नुशादोर समुलफार खरल करें और साथ वर्किया खरल करें, खरल में गारा होना शुरू हो जाएगी और अपना मेटल छोड़ देगी, यानी कि जारी हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। बाकी आपकी कोई ऐसी कजली है या कोई ऐसी गंधक का मनार है तो वो भी इसी तरह सेम जो चीज़ इसके साथ डालेंगे, मैं आपको कौन कौन सी चीज़ करके दिखाऊँ, हर चीज़ मैंने की हुई है इसके साथ, हर चीज़ का ये छोड़ है। तो अगला प्रोसेस देखते हैं, सुहागे वाला भी देखते हैं,
उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपने। अब आपने मुरक्कब देखना है, आपका मुरक्कब कौन सा है। अगर आपका गंधक पारे की कजली है, शुरू से यहाँ शुरू करना चाहते हैं इस नौशादर से, तो इससे शुरू करें। अगर किसी और तरीके से बना के आपने रखी हुई है, किसी भी तरीके से उसका पारा छूट नहीं रहा, किसी चीज़ पे गवास नहीं हो रहा, मेटल नहीं आ रहा है उसका, तो बस ये तरीका करें और उसका कमाल देखें जी।